गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आज है हमारे राइड का डे टू और मैं हूँ अभी अजमेर पुष्कर हाईवे पे। कहीं बाहर यार हाईवे का शोर आ रहा है तो आप इसे एडजस्ट कर लेना थोड़ा। सो गाइस, आज है तारीख 8 मार्च और वैसे तो होली यहाँ पे मतलब पुष्कर में 7 मार्च को ही थी, तो हम अभी जा रहे हैं पुष्कर, देखते हैं वहाँ पर कुछ ऐसा कुछ प्रोग्राम वगैरह है या नहीं होली का कुछ। सो हम अभी जा रहे हैं यहाँ से पुष्कर, डिस्टेंस है लगभग 20 किलोमीटर का। तो मैं और गौरांग अभी दोनों जा रहे हैं पुष्कर, एक ही बाइक लेके जाएंगे और देखेंगे वहाँ पे आज होली का कुछ प्रोग्राम है या नहीं। कुछ आइडिया है नहीं आज वहाँ पे क्या होता है क्या नहीं, तो ऐसे ही जा रहे हैं, देखते हैं क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ पुष्कर में देख सकते हैं। तो चलिए अभी यहाँ से चलते हैं सीधा पुष्कर और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ अपने कमरे से बाहर का क्या दिखता है। ये हमारा कमरा था भाई, सब सामान बहुत बहुत ज़्यादा बिखरा पड़ा है तो उसे आप मत देखो। ये देखो, ये है हमारा होटल। अरे यार, होटल का नाम क्या है? होटल कृष्णा वैली। अरे इधर है चारों तरफ से नज़ारे, चारों तरफ छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। तो बस अभी यहाँ से चलते हैं सीधा पुष्कर और आपको दिखाते हैं पुष्कर में हम क्या देख सकते हैं और आपको क्या दिखा सकता हूँ, पुष्कर चल के ही पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं पुष्कर। सो गाइस, मैं पहुंच गया हूं पुष्कर और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यह है पुष्कर सरोवर। भारत के कुछ 5 सबसे पवित्र सरोवरों में से एक है यह। भारत में कुल 5 सबसे पवित्र सरोवर गिने जाते हैं, उनमें से एक ये पुष्कर सरोवर भी है। ये देखिए पुष्कर सरोवर। यार हमारा तो पूरी तरह से पोपट हो गया है भाई। हम तो आए थे यहाँ पे पुष्कर में होली खेलने के चक्कर में कि होली एंजॉय करेंगे, लेकिन ये पहले हो गया। होली के त्यौहार यहाँ पे, होली का त्यौहार यहाँ पे एक दिन पहले ही ख़त्म हो गया, यानी कल यहाँ पे होली ख़त्म हो गई। अपने यहाँ पे आज है, हमारे यहाँ आज है ना, घर के ना घाट के। तो अभी तो हम वही बात हो गई, ना घर के ना घाट के सच में। और अभी है पुष्कर, पुष्कर तालाब के घाट पे, पुष्कर सरोवर के घाट पे। भाई पुष्कर, पुष्कर मशहूर है
ब्रह्मा जी के अपने एकमात्र मंदिर के लिए। कहते हैं कि पुष्कर में ही ब्रह्मा जी का एक मंदिर है, सिर्फ पुष्कर में ही है ना। हाँ। और ये हिंदुओं का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल भी है। अभी यहाँ से हम जा रहे हैं सावित्री माता मंदिर, वो एक छोटी सी पहाड़ी पे है, तो वहाँ से ये छोटी सी हाइक करनी होगी या रोप वे है, तो देखेंगे क्या करते हैं अभी। एक छोटी सी पहाड़ी पे ऊपर एक मंदिर है सावित्री माता का, और ये यहाँ से सीढ़ियाँ हैं और आगे से रोपवे भी है। रोपवे का टिकट काउंटर, जहाँ से टिकट लेके आप ऊपर जा सकते हो। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक मंदिर का पट बंद रहता है, सूर्यास्त के समय मंदिर का पट बंद हो जाता है। ये चाय हो जाएगा क्या? बिल्कुल पियोगे तुम चाय? अरे अभी तो मैं पियूंगा, मुझे मन कर रहा है। एक एक बनाइए फिर, तो फिर दो ही बनेंगे, पीना है तो दोनों पी लेंगे, दो दे दे। केसर इलायची चाय, केसर इलायची चाय बिल्कुल, यह सावित्री मंदिर का प्रसिद्ध चाय है। और एक दे दो, सो गाइस केसर इलायची वाली चाय पी रहे हैं हम। मैं एक कोक दूंगा, 3 So भाई फाइनली पहुंच गए अपने होटल वापस। और आज का दिन तो यार शुरुआत तो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन लास्ट होते होते सब कुछ अच्छा हो गया। तो मतलब यूँ कह सकते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छा बीता। यार हम तो शुरुआत में थे कि आज होली सेलिब्रेट करेंगे पुष्कर में, तो होली का तो प्लान ही पूरी तरह से एकदम पोपट हो गया अपना। लेकिन शाम को हमने जो ट्रैक करी ना सावित्री माता टेम्पल की, भाई ये एक नंबर। एकदम पुष्कर में अगर आप हो तो एकदम रिकमेंडेड है वो जगह। सनसेट तो आप वहाँ से देखो, क्या ज़बरदस्त नज़ारा होता है, और वो ट्रैक भी मज़ेदार है। और ऊपर पहुँच के वहाँ से जो वो पूरी पुष्कर वैली जो दिखती है, पुष्कर सिटी और उसके चारों तरफ जो छोटे छोटे पहाड़, ज़बरदस्त नज़ारा होता है, बहुत सुंदर। आपने देखा ही होगा अभी वीडियो में सब। सो भाई अभी तो हम पहुँच गए अपने रूम में वापस, थोड़ी सी थकान भी हो गई है ट्रैक कर करके, तो अभी बस सोते हैं सीधा और मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।